25th बर्थडे कर लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहोगे पता नहीं यार, बिलीव नहीं हो रहा मैं 25 होगी। ना तो मेरी हरकतें 25 जैसी है, ना मेरा दिमाग आई फील, क्योंकि मैं तो अभी भी कोई भी मुझे देखता है तो मुझे यही बोलता है, ओ यू लुक टीनेजर और समथिंग लाइक दैट। और मैं फील भी वैसे ही करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक अ बर्डन, ऑफ शिट मैं 25 हो गई, शुड आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल और मुझे थोड़ा मैच्योर बिहेव करना चाहिए क्या? तो बहुत सारे थॉट्स हैं। इट्स अ वियर्ड फीलिंग टू टर्न 25। आज पार्टी इसीलिए है जिससे मैं कल शूट कर पाऊँ। बेसिकली मुझे अपने बर्थडे पे शूट करना बहुत पसंद है एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं काम कर रही हूँ अपने बर्थडे पे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे सारे बर्थडे अभी तक वर्किंग बर्थडे गए हैं। सो आई एम गोना शूट ऑन माय ओन। अबाउट बर्थडे, हाँ मैं बचपन से अपना बर्थडे सबको बहुत पसंद होते हैं। सो बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद था जब आप स्कूल जाते हो इन कलर ड्रेस, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। दैट आई यूज़ टू वेयर माय बेस्ट ड्रेस, और हमेशा मेरा ड्रेस एक्चुअली बेस्ट हुआ करता था बिकॉज ऑफ कोर्स माय बर्थडे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज बात करा कि एडवांस बर्थडे पार्टी, कुछ थीम हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग? हाँ जी, द थीम वाज वेयर द डिकेड यू वर बोर्न इन। मे बी मैं यौन दिनों की बातें से बाहर निकल नहीं पाई हूँ, सो आई फॉलोड लिटिल ऑफ 90s एंड इट वाज नॉट मैंडेटरी दो, सो जिससे भी अगर इफ़ यू लाइक वांटेड टू सो आप वो कर सकते थे, वैसा था तो मैंने तो किया है। और मैं अभी तक मिल भी नहीं पाई हूँ सबसे देखने के लिए। या सिंस आई हैव डन दैट 90s, सो मैं तो बहुत लेट 90s बॉर्न हूँ, सो कुछ ज़्यादा मेरी खुद की मेमरीज नहीं है, बट सिंस आई डू डिड ये उन दिनों की बात है तो मेरी बहुत सारी मेमरीज शो से रिलेटेड है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा 90s में ये लगता था कि हमारे पास फोन्स नहीं थे, तो जो पर्सनल कनेक्शन होते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। सो आई फील या दैट इज समथिंग आई लाइक। नाउ द बकेट ड्रीम नेक्स्ट 2 years की, कोई बकेट ड्रीम, कोई ऐसी जो है, जो नहीं यार, बहुत जितनी सक्सेसफुल मैं अभी हूँ या जिस स्टेज पर मैं अभी हूँ उससे बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। 25 तक मैं इससे भी बहुत आगे रहना चाहती थी, पर ठीक है, जो वट एवर आई हैव, आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई विश कि भगवान की कृपा मुझ पर हमेशा ऐसी बनी रहे। यार शो एक्चुअली बहुत ही ड्रामेटिक मसालेदार स्टोरी चल रही है शो में, बहुत बहुत कुछ चल रहा है। और आज भी मैं शूट करके आई हूँ अपनी पार्टी में, माय आईज वर स्वॉलन बिकॉज मैं इतना रो रही थी पूरा दिन। इट वाज सो एग्जॉस्टिंग, टायरिंग एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई होप आपको ये वाला ट्रैक और अच्छा लगे, हमारे आंसू आपके दिल तक छुए, आपके दिल को छुए और आपको पसंद आए। व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्या होने वाला आने वाले समय में, अब वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा शो। बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड बहुत बड़े बड़े टर्न्स आने वाले हैं, मैं बिल्कुल रिवील नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कितने इंटरेस्टिंग है, कितने एक्साइटिंग है, बट दे आर लाइक ऐसा हो गया क्या, ऐसे वाले सिचुएशंस आने वाले हैं। आई लव यू सो मच गाइज एंड या यू गाइज ऑलवेज मेड माई बर्थडे स्पेशल एंड मैं यहाँ अपने सारे लोगों के साथ बर्थडे मना रही हूँ, बट आई ऑलवेज मिस यू गाइज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। कितनी खुशी होती है बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो कल और एडवांस में लाइक बर्थडे पार्टी मनाया जाए, क्या करना? एडवांस में नहीं, ये बर्थडे पार्टी इसलिए मनाई जा रही है ताकि 12 जैसी बजे सब लोग साथ में एक जगह रहें और एक साथ सब विश करें। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू आशी इन एडवांस, और एडवांस बोल दिया मैंने एडवांस बोल दिया तो बाकी आजकल ब्रिंगिंग का ही फैशन है, तो अभी हम जाकर हम नहीं चाहते कि उसका जैसी बर्थडे हम एक भी सेकंड मिस करें या लेट करें, तो हमने आज का ही प्लान बनाया हुआ है कि 12 बजते हम सीधा बर्थडे विश करेंगे। पूरे प्रोग्राम की जो होस्ट है वो मैं ही हूँ, मैंने ही उसका बर्थडे आज मनाया है। बस मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की वजह से ही है ये सब कुछ और मेरे जो प्यारे प्यारे फैंस हैं उनकी वजह से। थैंक यू सो मच गाइस। मैम कितना होता है एक कभी एक दिवाली और एक गाना? आप इससे गेस मत करना कि मैं कब पैदा हुई थी।
ऐसा थीम दे दिया इसने, कपड़े नहीं मिल रहे थे पता है ये हम लोग को बोल के कि 90s 80s का बन गया ना, और खुद पर सिद्धार्थ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी 22। हाँ अरे मुझे टेंशन हो रही थी ना, 90s बॉर्न यार, कपड़े नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं है कहीं से, 90s नहीं लग रहा है। ये जो थीम होती है ना, ये सिर्फ छलावा होता है ताकि खुद बंदा अच्छा लिखे और बाकी सारे डूब जाए। मुझे तो आज बहुत रेडी होने में मजा आया, कैसी लग रही थी मैंने मेरी फेवरेट बच्ची है। अरे सारे गाने कमाल होते हैं, और मेरे कहने से क्या होगा, मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ नहीं देखा तो प्लीज अभी जाके देखिए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस वेट कर रहा हूँ जल्दी से बने और जल्दी से आप लोग देख पाए। सिद्धार्थ ऐसा है, ओके एक बार ट्रेलर फिर मैं बोलूंगा। मैं रुका नहीं जा रहा ना, अंदर से डांस कर रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे जोन में। आशीष का एक और नया लुक आया है लॉन्ग हेयर पे, काफी चर्चा थी, आप क्या कहना चाहोगे? शौक थे इसका मीत वाला लुक देख के, अभी ये तो हर लुक में, लंबे बालों में तो रॉक करेगी, जब छोटे बालों में कर दिया इसने तो। बहुत अच्छी एक्टर है। लॉन्ग हेयर आशी की, लॉन्ग हेयर उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम लोग अलादीन कर रहे थे तो भी शहजादी ने भी उसका कैरेक्टर जब जो था उसकी भी लॉन्ग हेयर थे। Happy birthday and a happy 25th to her. Yeah, she's crossed the quarter of the century. One fourth निकल गया, भगवान कह रहे और चार ऐसे ही quarter century निकाले वो, और बस उसको दुआ देना चाहूँगा और विश करना चाहूँगा कि wishing you a very happy birthday and may success bless you all the time. आपकी बात करो, आप लोगों की बात करो, काफ़ी क्लोज थे शो में, काफ़ी क्लोज था आपने, कोई ऐसी बातें ऑन द शो और काफ़ी अच्छी लगती रहो एज एन एक्टर, कोई ऐसी बातें बताना चाहिए? आशी बहुत मिलनसार लड़की है, सबके साथ घुल मिल के रहती है, सबसे बहुत प्यार से रहती है, बहुत बचपना है उसमें अभी, और बहुत स्वीट है, दिल की बहुत अच्छी है, और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मेरी तो शुरुआती शो में उसके साथ सीन करने से हुई थी, और बहुत ही अच्छी को एक्टर है, और बहुत पॉजिटिव है, अच्छा लगता है उसको मिलना, मतलब देख के एकदम चेयरफुल रहती है, तो उसकी एनर्जी देख के आपको भी लग रहा है कि हाँ यार कुछ सही है यार। कुछ ऐसी यादें लाइक फर्स्ट शो में, फर्स्ट सीन में कुछ बताना चाहोगे, कुछ ऐसी यादें जो दर्शक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो? नहीं, ऐसा था ना कि वो ऑफकोर्स सीनियोरिटी में मैं थोड़ा आगे हूँ उससे, तो वो थोड़ी सी ऐसी थी कि यार मैं इनके साथ कैसे बात करूँ क्या करूँ, बट वो हमने आइस ब्रेक किया था, और उसके बाद जिस तरह से मस्ती से हम काम कर रहे थे उसको, मेरे मैं अपने फालतू जोक्स बहुत मारता हूँ, तो उसके हिसाब से वो भी थी कि यार यू नो इट्स फन टू टॉक टू यू, अच्छा लगता है आपके साथ बात करके, तो एक कनेक्ट था, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन में कुछ हुआ नहीं कि जहाँ पे ऐसा कुछ लगे। और आशी के लुक के बारे में बात करें, काफ़ी चर्चा होती है उनके लुक में, आज भी काफ़ी डिफरेंट लुक लगे, पर आपको कैसा लुक लगता है ऑन द शो, आप बताना चाहोगे? ऑन द शो फिलहाल आशी का जो लुक चल रहा है, मंजरी वाला जो लुक है, मुझे लगता है वो उसमें बहुत सूट करता है, और वो पर्सनली भी वैसी है, उसको सजना संवरना बहुत पसंद है, लड़की वाली सारी आदतें हैं उसमें, तो ऑफकोर्स दैट लुक, और कहते हैं ना कि जब आप अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं तो आपके चेहरे पर झलकता है, वो उसके चेहरे पर झलकता है। आप क्या कहना चाहोगे मंजरी लुक के बारे में? मंजरी देखो, ये वो उसको गुजराती गेटअप दिया है, और वो अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है, मैं गुजराती, मैंने देखा कैसी कैसे होते हैं गुजराती लोग, बट ये बहुत ही क्यूट लग रही है, उसने जो लहजा पकड़ा हुआ उसमें भी बहुत, उसके ऊपर बहुत सूट करता है, और जैसा कि बरक ने कहा कि वो खुद ही वैसी है, तो उसके लिए उसके ऊपर ये सारे लुक्स काफ़ी सूट करते हैं, मिलनसार है, क्यूट है, और हॉइटी टॉइटी एकदम से एकदम बच्चे की तरह आती है, तो अच्छी है। एंड आज रक्षाबंधन भी था, आप लोगों ने किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट किया? कुछ लोग कल मनाने वाले रक्षाबंधन, बट आज आप लोग ने रक्षाबंधन? मेरी बहन नहीं है और ना मैं किसी को बहन मनाता हूँ, तो मेरे लिए आप अगर देखेंगे तो मेरी कलाई सुनी है, बट इन रियल लाइफ तो सुनी है। हाँ, शो पे हमने वो रक्षाबंधन का एपिसोड किया है, बट हाँ, बट बाकी सारे भाई बहनों को मैं कहूँगा कि यार विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
आप विश कर दीजिए हमारे सबको, हमारे सभी दर्शकों को, सभी फैंस, फ्रेंड्स, वेल विशर्स सबको अ वेरी हैप्पी राखी। थैंक यू, थैंक यू। ओम पकड़ा जो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी बहन का बर्थडे है और जो मेरी ऑन स्क्रीन सिस्टर है बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड एंड शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हम सेट पे हम शूट कर रहे थे तो ऑनेस्टली ऐसा फील हो रहा था जैसे घर में शादी होती है ना और आप वैसे एक्साइटेड होते हो, एवरीबडी इज़ गोइंग टू एवरीबडी इज़ रूम एंड यू नो व्हाट आर यू वेयरिंग, कितने बजे पहुँचोगे, सो ऐसी प्रिपरेशन आज सेट पर चल रही थी आशी के लिए तो एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड। या सेम गिफ्ट मैंने रख दिया, ये एकदम सरप्राइज गिफ्ट है एंड सेम लाइक मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल और उसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सक्सेस मेरी तरफ से ऑलरेडी। और गिफ्ट में ये सरप्राइज है, हिंट वेल उस पर क्या बोलूँ, गोल्डन गोल्डन कुछ है। एंड आज शूट भी हुआ था तो कुछ सारा कुछ बड़े प्लान सरप्राइज शूट हुआ और लोकेशन भी बताना चाहोगे आप? एक्चुअली उसका बर्थडे कल है तो कल, जो होगा वो कल होगा। आज ये एडवांस पार्टी है तो 12 बजे के बाद धमाके शुरू होंगे। अभी तो बस वो था ना प्री बर्थडे की वाइब, जो शादी घर में होने वाली होती है उसकी जो तैयारियां होती हैं तो अभी सिर्फ वही चल रहा था। अभी हम लोग तैयार होके आए हैं आशी की बर्थडे पार्टी पे, धमाके 12 बजे के बाद शुरू होंगे। हाल ही में जो गुजराती लुक मंजरी का चल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक लग रहा है, जितने भी लुक सभी लगा है आप क्या कहना चाहिए इस लुक के बारे में? कमाल का लुक्स है और उसने जिस तरह से उसको अडाप्ट किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो पहले जिस जो हरियाणवी लुक था वो भी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो एक्सेंट उसने पकड़ा था, और अभी जो मंजीरी का कैरेक्टर और लुक जिस तरह से उसने पकड़ा है वो भी बहुत कमाल का है और इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग उसको बड़े बालों में देखना चाह रहे थे डेस्परेटली और फाइनली वो ब्यूटीफुल लग रही है बड़े बालों में। एक्चुअली लुक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, आपकी एक्टिंग आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है और आशी इज़ जस्ट नेलिंग इन एवरी कैरेक्टर, चाहे वो मीत का कैरेक्टर हो चाहे वो मंजरी का कैरेक्टर हो। और ऑफकोर्स शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल, शी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट और वो ब्यूटीफुल भी दिख रही है, बहुत खूबसूरत दिख रही है ऑन स्क्रीन और जितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रही है तो यू नो परफॉर्मेंस ज़्यादा शाइन करती है, आपकी लुक्स मैटर नहीं करती। आप दोनों में अगर मैं तो मेरा मंजरी का लुक फेवरेट है, आई होप कि वो ये थोड़ा और लंबा चले क्योंकि ऑडियंस को, मुझको लगता है ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो मंजरी थोड़ा जो ये लुक है बड़े बालों वाला वो थोड़ा लंबा चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे लिए हमेशा मीत का लुक फेवरेट रहेगा क्योंकि मीत मेरी बहन है, मंजरी इज जस्ट माई फैन और जो बड़े बाल तो हर कोई कैरी कर सकता है, हर शो की हम बात करें तो सब जो लीड्स होती हैं वो सारी खूबसूरत लंबे बालों में होती हैं, लेकिन जो आशी है वो जो मीत का लुक है वो सबसे डिफरेंट है, वो उससे उसको यूनिक बनाता है तो शी इज़ कैरिंग इट रियली वेल, सो मेरे अकॉर्डिंग मीत।
उसने थीम दिया था अपने एरा के हिसाब से ड्रेस करो। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ मैं किस एरा की हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को आज के एरा का भी मानती हूँ और पिछले एरा का भी मानती हूँ। सो आई जस्ट ड्रेस न्यूट्रल जो सब एराज में फिट हो जाए, बेसिक ड्रेस। सो एक्चुअली मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं है, और आज शूट मेरा जल्दी बैकअप हो गया था। तो जनरली शूट से आते हैं ना तो ईजी हो जाता है, बट आई वेंट होम देन मेरे को एक्चुअली देर नहीं लगती, मैं 20 मिनट्स टाइम। यस, आशी इज़ अ लवली गर्ल, आई रियली लाइक हर, एंड उसका 25th बर्थडे है, एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस। शी इज डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। सो आई विश दैट उसके जितने ड्रीम्स हैं सब पूरे हों, एंड दिल से ब्लेसिंग्स। कोई ऐसा लाइक नाउ शी इज डूइंग मेक, मंजरी का किरदार काफ़ी सराहा जाता है, आप क्या कहना चाहोगे उस किरदार के बारे में, उनके लुक के बारे में? सो जो मंजरी का किरदार है काफ़ी बड़ा वाल है, लाइक द पीपल आर वेटिंग फॉर इट लॉन्ग एयर, नीट का कैरेक्टर छोटा, आप कैसे देख रहे हो? सो मैंने आशी के साथ काम किया था, एक शो था अलादीन, उसमें एंड उसमें शी वॉज प्लेइंग प्रिंसेस यास्मीन, तो उसका गेटअप एंड जो लुक था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, एकदम रॉयल था। एंड जो उसने दूसरा शो किया उसमें एकदम टॉमबॉय लुक था उसका, तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक मेरे साथ साथ ऑडियंस भी वेट कर रही थी कि कब उसके बाल लंबे होंगे, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल इन द न्यू अवतार, एंड she is a lovely girl and always looks beautiful. वो tomboy में भी अच्छी ही लगती थी, but अब और भी अच्छी लग रही है। You just said that you are shooting something, so किस तरह का shoot काम कर रहे हो? कुछ बताना चाहोगे? मैं Zee का show कर रही हूँ, भाग्य लक्ष्मी, and that's it. It's a good show and I'm enjoying my character. क्या किस तरह का response आ रहा है? Like भाग्य लक्ष्मी भी all know, yeah. It's a good show, running yeah. well. Tell us the kind of response you get from the social media, from the fans. Touchwood, the show is doing very well and people are liking. I'm doing a little different character. मैंने अभी तक positive characters किए हैं, भाग्यलक्ष्मी मेरा character थोड़ा tinge of negative है, but people are liking it and I'm enjoying doing it. Thank you. सबसे मिलने वाले हैं, एंड वी वर कुछ महीने पहले वी ऑल शॉट टुगेदर, सो यू नो मोमेंट्स लाइक दिस सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे इज ऑलवेज वेरी स्पेशल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर एंड एवरीवन। एंड शो की मैं बात करूं, शी डूइंग रियली वेल, आप कुछ कहना चाहोगे शो में? अभी नया एक लुक भी आया है उनके, और वो लुक कैसा लग रहा है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ आशी, आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्टर, और वो बहुत ही फ्लॉलेसली अपना कैरेक्टर कैरी कर रही है, स्पेशली इतना कॉन्ट्रास्ट, शी वॉज ऑलरेडी प्लेइंग यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, और उसी शो में दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना, शी इज अमेजिंग, आई एम प्राउड ऑफ हर। एंड व्हिच इज योर फेवरेट, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर? आई लाइक द शॉर्ट हेयर बिकॉज आई हैव शॉर्ट विद शॉर्ट हेयर आशी पर्सनली, सो आई थिंक मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है उस कैरेक्टर के साथ। हाल ही में तो बहुत सारी चीजें हुई, यू आल्सो नो, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दोस थिंग्स? एंड देयर इज टुमारो, देयर इज आल्सो अ फ्यू थिंग्स कमिंग आउट, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स? एट द मोमेंट आई थिंक आई जस्ट वांट टू कीप एवरीथिंग अंडर a surprise factor, let's keep it under wraps and let's be happy and celebrate. Big Boss is also coming up, so would you like to like explore Big Boss this season? I don't know, bahut sare factors depend karte hain, but I love Big Boss, it's a great show, great concept, great content. Recently I've worked with Endemol already, yeah, on Lock Up, so yeah, let's see. And Khatron ki Khiladi is also doing really well, aap batana chahoge? I've known Aneri personally, Chetna personally, Rajiv personally, so I'm very happy with the way they're performing. Who is she as a winner? Personally, I will be biased and I want Aneri to win. Thank you.
स्पेशल वेरी हैप्पी बर्थडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और आज तो 90s का भी आज मैं 90s बॉर्न न्यू आई एम 2000 बॉर्न तो आई ट्राइड कि मैं वैसा कुछ पहनूं और क्या कहना चाहोगे बर्थडे किस तरह का सरप्राइज आप लेकर आए हो वो वही बताएगी ना वो खुलेगी मैं बता नहीं सकती हिंट नहीं दे सकती वो समझ जाएगी इट्स समथिंग व्हिच शी लाइक्स आपका क्या कहना चाहिए बारे में वो चाहे कुछ भी करे वो सुंदर ही लगती है आपको क्या पसंद है मिड लेंथ ना शॉर्ट ना लॉन्ग मैं पर्सनल मैं अभी मैं रिवील नहीं कर सकती आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब वो आ जाएगा नहीं आई डोंट नो एनीवन फ्रॉम दैट शो But yeah, I have seen that show and everyone is doing good. I like Kanika and Channan. I was a bit shocked but ठीक है normal है, it's okay. मैंने वो पूरा नहीं देखा तो मैं judge नहीं करूँगी But I like Kanika and Channan, so yeah. Thank you.